ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है यूपी से, जहां लखनऊ से राजनाथ सिंह ने जीत दर्ज की है। साथ ही देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि जीतते हुए नजर आए हैं। ये बड़ा अपडेट यूपी से आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीतती हुई नजर आई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। डिंपल यादव 1,89,000 मतों से ये चुनाव जीती हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह चुनाव हारते हुए नजर आए। ये यूपी से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी शिकस्त मानी जा रही है। वहीं लखनऊ की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह 75,000 वोट से जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि जीते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से सामने आ रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह चुनाव जीते हैं। वहीं डिंपल यादव 1,89,000 मतों से जीतती हुई नजर आई हैं। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह चुनाव हार गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से सामने आ रही है, जहां लगातार ये अपडेट आपको दे रहे हैं और चुनाव परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। वहीं इस पर तमाम जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल में जो रुझान देखे गए थे कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ी बहुमत मिलने वाली थी, लेकिन जिस तरीके के आज ये नतीजे सामने आए हैं, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है जो बीजेपी को वहां इतनी कम सीटें मिली हैं? देखिए आकांक्षा, अब की बार 400 पार का लगातार नारा लगाया जा रहा था। मोदी फेस था, ब्रांड अम्बेसडर थे, बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सैकड़ों रैलियां इन्होंने की। उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश में इन्होंने रैलियां की। 400 पार एक बहुत बड़ा झटका है उत्तर प्रदेश में, जहां इतना भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बनाने का नारा रख रही थी। और आज के देश में, आज के समय में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो एक अपना इतिहास था, जो अपनी एक जमीन खो चुकी थी कांग्रेस, और 7 सीटों पर अभी अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और एक बीजेपी को बहुत बड़ा ये झटका है। और अगर सपा की बात की जाए तो 2019 में जहाँ सपा 5 सीटों में सिमट के रह गई थी और 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, और अगर आज की बात की जाए तो 32 सीटों पर मात्र भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और जबकि 36 सीटें सपा उसमें आगे चल रही है। तो एक ये भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और वही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका है। और अभी जैसे खबर है कि अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई, 1,00,000 वोटों से हार गई, जबकि 2019 में अगर बात की जाए तो अमेठी से राहुल गांधी हारे थे और वहां से स्मृति ईरानी जीत गई थी, और एक तरीके से पूरा वजूद खत्म हो चुका था। केवल एक सीट थी रायबरेली की कांग्रेस की, वहां सोनिया गांधी वहां से जीती, एक सीट पूरे 80 सीटों में। कहा जाता है कि अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश में को जीतना काफी जरूरी होता है, और यही कहीं बीजेपी को ये पूरी उम्मीद थी कि 80 सीटों में से 80 सीटें हम लेके आएंगे। इसके लिए उन्होंने काफी जोर तोड़ की राजनीति करी, छोटे छोटे जो घटक दल है उन लोगों से गठबंधन भी किया, लेकिन ये जो गठबंधन है उनका ये कहीं सफल दिखता नजर नहीं आया। एक बड़ा ही झटका इनको लगा है यहाँ उत्तर प्रदेश में। और बात है सरकार की, तो ये भी बड़ी मझधार की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार टीवी स्क्रीन पे वही आंकड़े 4 घंटे से दिख रहे हैं। अब ये नहीं है कि अब कोई भी बहुमत से सरकार बनता कोई दिख नहीं रहा है, तो एक बहुत ही बड़ा ये भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। और वही अगर बीजेपी की अन्य सीटों की बात की जाए, 2019 में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वो सीटें भी कई सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हारती नजर आ रही है। और अभी ये अभी जो खबर आ रही है वो लखीमपुर जो अजय मिश्रा के नहीं, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत हार गई है। वहां पे उत्कर्ष वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से खड़े किए थे, वो जीत गई है, वो जीत चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। वहीं वंदना जी, अगर बात करें, आपने जिस तरीके से अमेठी का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट पर जो दाव पेच थे वो फंसते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या माना जा सकता है कि राहुल गांधी का जो फैसला रहा कि इस बार वो अमेठी से चुनावी मैदान में नहीं आए और रायबरेली सीट को चुना यूपी के लिए, तो क्या लगता है जो गठबंधन ने ये फैसला किया या राहुल गांधी ने जो फैसला किया सफल होता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है?
देखिए ये बहुत ही एक बार मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा सा पीछे जाएंगे अगर, ये 7 साल पहले जब 2017 का चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में ये जो दो लड़कियों की जोड़ी थी वो दिखाई दी थी साथ, लेकिन वो जो कमाल नहीं हुआ था, जोड़ी जरूर बनी थी लेकिन वो कमाल नहीं दिखा था। आखिरकार दोनों को मुंह की खानी पड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, 17 में बनाई 22 में बनाई, लेकिन जो इस बार जो दो लड़कों की जोड़ी है ये जरूर कहीं ना कहीं लोगों ने इनको पसंद किया है और एक रणनीति नई रणनीति के साथ ये गठबंधन उतरा है बहुत ही मजबूती के साथ। मैं और मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन अगर मैं कहूँ तो इस गठबंधन में जो सबसे ज्यादा कमाल किया है वो अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव बहुत मजबूती के साथ गठबंधन में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो अकेले खड़े होकर लड़े हैं, इतना चुनाव प्रचार किया, रैलियां की, लोगों को से अपील की, इतनी रैलियां उन्होंने की है, एक मजबूती के साथ उन्होंने रोड शो किए राहुल यादव के, राहुल गांधी के साथ मिलकर, तो ये बहुत बड़ी अच्छी रणनीति के तहत उन्होंने कार्य किया है। रही बात अमेठी से चुनाव ना लड़के रायबरेली से चुनाव लड़ना, तो एक अच्छा ही फैसला रहा क्योंकि किशोरी लाल जो शर्मा है ये इनके पारिवारिक संबंध इनसे रहे, काफी पुराने फैमिली मेंबर की तरह, हालांकि काले के लोगों को नाराजगी थी कि अमेठी की सीट से गांधी परिवार को क्यों नहीं उतारा गया, ये क्योंकि गांधी परिवार की सीट है अमेठी सीट से, देखिए फिरोज गांधी वहां से सांसद रहे हैं, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग वहां से सांसद रहे, तो क्योंकि गांधी का परिवार है लोगों में नाराजगी जरूर थी, लेकिन किशोरी लाल को एक भरोसा जताया क्योंकि उनके पारिवारिक संबंध थे, काफी क्लोज थे, हमेशा से वो गांधी परिवार के साथ रहे हैं, तो किशोरी लाल पर उन्होंने दाव लगाया, हालांकि उनका ये दाव जो है काफी सफल साबित हुआ क्योंकि स्मृति ईरानी जिस हिसाब से वहां पे काम करती थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, अच्छा उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया, लोग उनको पसंद भी कर रहे थे। 2019 क्योंकि देखिए गांधी का गढ़ होने के बाद भी राहुल गांधी को वहां से लोगों ने नकारा, उनको हराया, वहां से उनको हटना पड़ा, स्मृति ईरानी वहां से सांसद बनी, लेकिन फिर से एक बार जो अमेठी की जनता है उन्होंने गांधी परिवार का भरोसा जताते हुए किशोरी लाल को वहां से अपना सांसद चुना और स्मृति ईरानी 1 लाख वोटों से हार चुकी है, मतलब एक बड़ी हार उनको मिली है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फिर से अपनी जो एक पुरानी उनकी जो सीट थी वो हासिल करने में कामयाब हुई है। ठीक है वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे, जहां यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हमने आपको बताया कि अमेठी से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें अगर देवरिया सीट की बात कर ले तो बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि वहां जीतते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही मैनपुरी से भी डिंपल यादव चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी हैं और डिंपल यादव करीब 1,89,000 मतों से जीतती हुई नजर आई हैं। तो यूपी में जिस तरीके से कहा जाता है कि 80 लोकसभा सीटें थी और लोकसभा का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी को यूपी में ये भारी नुकसान झेलने पड़े हैं, तो माना जा सकता है कि एनडीए को अगर कम खाते में सीटें आती है तो कहीं ना कहीं यूपी का जो राज्य है ये बहुत बड़ा माना जा सकता है, क्योंकि लगातार एग्जिट पोल में भी जो आंकड़े सामने आ रहे थे साफ तौर पर कहा जा रहा था कि यूपी में बीजेपी को बढ़त मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से जो रुझान अभी सामने आए हैं, जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है।